दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेकिंग इंडिया में। आज का ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से भारतीय सैनिक और चीनी सेना आमने सामने आ गए हैं। पूर्वी लद्दाख को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति करने का प्रयास किया गया। दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सेना ने जान गंवाई। सेना ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया, भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में अलग हो चुके हैं, जहां वे 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे। उनकी चोटों के कारण जान चली गई, जिसके बाद कुल मिलाकर 20 जवानों ने जान गंवाई। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।